सोलन के ठोडो मैदान में क्रिकेट का एचपीएल महामुकाबला होने जा रहा है, जिसमें सोलन, शिमला, ऊना और बिलासपुर की टीमें भाग लेंगी। इन टीमों में जो दो टीमें विजय रहेंगी वे कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू और मंडी के बीच खेले जा रहे मुकाबलों के विजेताओं के साथ खेलेगी। गौरतलब है कि हिमाचल में होने वाले सुपर मुकाबले में जहाँ खिलाड़ी अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे, वहीं बतौर सेलिब्रिटी गेस्ट ग्रेट खली भी चौके छक्के मारते नजर आएंगे। ये जानकारी प्रमोटर्स ऑफ सोशल एंड कल्चर हेरिटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष नरेश कौंडल ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। प्रमोटर्स ऑफ सोशल एंड कल्चर हेरिटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष नरेश कौंडल ने बताया कि जो भी टीमें फाइनल और सेमीफाइनल तक पहुंचेगी उन्हें कैश प्राइज से भी नवाजा जाएगा, जिसमें विजेता और उपविजेता को 2 लाख और 1 लाख की राशि देकर मालामाल किया जाएगा। वहीं सेमीफाइनलिस्ट टीमों को 50-50 हज़ार देकर उनका हौसला भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि फाइनल मैच में ग्रेट खली भी क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और खेल मंत्री इस प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छिपी हुई प्रतिभा को निखारना और मंच प्रदान करना है। हिमाचल प्रीमियर लीग जो हिमाचल कप है, ये हमारा जो है वो 4 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। ये इसमें पहला जोन है ये, और इसमें हमारी 4 टीमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इसका जो फर्स्ट जोनल है वो हम ठोडो ग्राउंड, जो सोलन का जो ऐतिहासिक ठोडो ग्राउंड है, वहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको। और चार पाँच छः जो जनवरी है, 4-5-6 जनवरी को ये लीग मैचेस होंगे। और लीग मैचेस में ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसमें जो नॉकआउट मैचेस नहीं है, जो बेस्ट टीमें पॉइंट के बेसिस पे हैं वो आगे निकल के आएंगी। और जो ये सेमीफाइनल की हम बात करें और फाइनल की बात करें, तो उसमें जो द ग्रेट खली जी हैं वो आ रहे हैं, और मुकेश गौतम जी हैं, यामी गौतम जी के फादर हैं, वो भी आ रहे हैं। श्री जयराम ठाकुर जी जो CM साहब हैं वो भी आ रहे हैं। श्री गोविंद ठाकुर जी हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो भी आ रहे हैं इसमें। और समाज सेवी जितेंद्र ठाकुर जी भी आ रहे हैं इसमें। हमारा जो एजेंडा है इसमें जो हिमाचल प्रीमियर लीग का, जो हिमाचल में जो छिपी हुई प्रतिभा है, क्रिकेटर हैं, कुछ क्रिकेटर जो है वो हिमाचल लेवल पे और बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं से भी उनको वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो उन लोगों को हमारा उद्देश्य है कि जो है वो क्रिकेट की दुनिया में उन्हें पहुँचाएँ और वो एक बड़ा नाम बन के हिमाचल की तरफ से बाहर निकलें।